बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहुन्ना सैयदना व मौलाना मोहम्मदन माफ़ुआलू। अस्सलामुअलैकुम तमामी वाईटी फैमिली को खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम आप तमामी दोस्तों के लिए लेकर आए हैं जी नज़र व नियाज में बनने वाले दाल चावल की रेसिपी। तो दाल चावल की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दाल हम कौन सी बनाएंगे, तो दाल हम बनाएंगे जी इसमें आज चने की दाल और साथ ही जो इसमें जी कीमा ऐड किया जाएगा, चने की दाल कीमा और साथ ही जी ज़ीरा राइस जो है इसमें हम आज तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चने की दाल है तो दाल को हमने अच्छे से जी पहले अच्छे से जी हमने वॉश कर लिया था, धो लिया था। उसके बाद हमने इसको एक टोकरी में निकाल लिया ताकि सारा पानी इसका जी निकल जाए। जब पानी इसका निकल गया है तो फिर हम जो है एक देग में इसको हम शामिल कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं देग में जी पानी पहले से जी हमने शामिल किया हुआ है और ये देखिए चने की दाल हमने इसमें शामिल कर दी है। साथ ही जी इसमें जी हम कफ्यू चला देंगे, ये देखिए, और इसको फिर हम ढक्कन से हम कवर भी कर देंगे। और अब हम चलते हैं जी अपने कीमे की जानिब क्योंकि चने की दाल कीमा हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए कीमा है, तो कीमे को जी हमने अच्छे से वॉश करने है, इसको टोकरी में हमने निकाल लिया था। कीमा है जी हाँ बस 4 किलो, पानी हमने देग में शामिल कर दिया था। साथ ही जी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, लहसुन, काली मिर्च, लौंग, ये तमाम चीज़ें जिसमें शामिल करेंगे। साथ ही जिसमें हल्दी भी शामिल करेंगे। तो लाल मिर्च जिसमें हम शामिल करेंगे जी 300 ग्राम, 200 ग्राम करेंगे जी इसमें हल्दी और 250 ग्राम उसमें हम शामिल करेंगे लहसुन कुटा हुआ। तो ये देखिए जी इसको हमने इसमें शामिल कर दिया। साथ ही इसको जब हम ढक्कन से कवर कर देंगे ताकि जी कीमा जो है हमारा अच्छे से जी तैयार हो जाए, गल जाए। तो पानी थोड़ा सा हमने इसमें और शामिल कर दिया, तब कीमे में अच्छे से खटकी आ जाएगी। तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे जी हरी मिर्च। तो हरी मिर्च इसमें हम शामिल कर रहे हैं जी 200 ग्राम, ये देखिए जी कीमे में हमने 200 ग्राम हरी मिर्च हमने इसमें शामिल कर दी है। और कफ्यू भी हम इसमें चलाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग जी कीमे की जो लुक है वो आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जी कीमा भी जो है हमारा अच्छे तरीके से जी तैयार हो चुका है। तो इसको अब हम शामिल करेंगे जी चने की दाल में क्योंकि चने की दाल भी जो है हमारी अच्छे से जी तैयार हो गई है। ये देख सकते हैं आप लोग, तो चने की दाल में जी हमने 50 ग्राम हल्दी भी हमने इसमें शामिल की थी। और ये देख सकते हैं आप जो है कीमा जो इसमें शामिल किया जा रहा है, ये देखें आप लोग कीमा इसमें जी शामिल किया जा रहा है। तो आप तमाम ही दोस्त देख भी सकते हैं जी कीमा इसमें शामिल हो गया है। तो अब इसमें जब हम अच्छे से जी कफ्यू भी चलाएंगे और ये आप लोग देख भी सकते हैं जी इस टाइम, तो दाल को जी हमने पीसा नहीं है, तो साबुत दाल है ये देख सकते हैं क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी दाल जो है तो ये साबुत होनी चाहिए। साथ ही देखें जी दाल हमारी तैयार हो रही है। तो फिर हम चलते हैं जी अपने ज़ीरा राइस की जानिब। तो ये देखिए एक डेग में जी हमने ऑयल शामिल कर दिया है, 2 किलो ऑयल शामिल कर दिया है। और साथ ही इसमें जी हम शामिल करेंगे जी 50 ग्राम ज़ीरा क्योंकि जी ज़ीरा राइस हम तैयार करेंगे। तो ज़ीरा राइस की हम देगे तैयार कर रहे हैं जी 4 10-10 किलो की जी हम 4 देंगे जी हम तैयार करेंगे। साथ ही जो है इसमें जी नमक इसमें हमने शामिल कर दिया जी हसबे जायका। और चने की दाल जो हम तैयार कर रहे हैं वो कर रहे हैं जी 12 किलो, तो 12 किलो चने की दाल है और 4 किलो है जी इसमें कीमा। तो ये देख सकते हैं जी इस टाइम जो ज़ीरो को जी अच्छे से भूनेंगे। और ये देखिए अब जो है इसमें हम पानी शामिल कर देंगे तकरीबन 12 लीटर के करीब, ये देखें जी पानी इसमें हमने शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद अब इसमें हम कफ्यू भी चला देंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम जो है कफ्यू भी में चलाया जा रहा था। ये देखिए जी बासमती राइस है जी अच्छे ब्रांड का, तो याद रहे हम 10-10 किलो की हम 4 देगे हम तैयार करेंगे अपने ज़ीरा राइस की। तो पहली देग जी हमारे इस टाइम तैयार हो रही है, जब पानी में जी अच्छे से खटकी आ जाएगी तो उसके बाद फिर हम जो है अपने चावल को जिस देग में जी हम शामिल कर देंगे। ये देख सकते हैं जी चावल हमारे इसमें शामिल हो गया है और चूल्हे की जो आँच है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चूल्हे की आँच भाई लकड़ी पर जी खाना बन रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं जिसकी आँच भी जो है तेज़ ही है। और ये देखिए जी कफ्यू से अच्छे से जी हमने उसको मिक्स भी कर दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं जी। इसमें 2 से 3 दफ़ा जी और कफ्यू चलाएँगे, जब अच्छे से जी इसमें खटकी आ जाएगी हमारे तो इसको फिर हम जो है ढक्कन से कवर करके फिर इसको फिर हम दम पे लगा देंगे। तो पहली देग है जी हमारी ये, साथ ही दूसरी देग देख सकते हैं बराबर में चने की दाल कीमा जो है हमारा तैयार हो रहा है। तो पहली देग जी इस टाइम जो है हमारी तैयार हो रही है ज़ीरा राइस की। तो ये देखिए जी अब हम लगाएंगे जी अपनी देग को जी दम पे, ये देखें ये देग आ गई जी हमारी दम पे।
जी तो अब हम अपनी दूसरी डेग हम तैयार करेंगे। तो देखिए दूसरी डेग भी हमने चूल्हे पर रख दी है। आयल जो है हमने 2 किलो इसमें हमने शामिल करा है, साथ ही जो है 50 ग्राम जो इसमें ज़ीरा हमने शामिल करा है। तो सेम तरीका वही है जिस तरीके से हमने पहले वाली डेग तैयार की थी, इसको भी हम उसी तरीके से जी हम तैयार करेंगे। और पानी भी जो है देख सकते हैं आप लोग, जो पानी भी जो इसमें शामिल किया जा रहा है। अब ये देखिए जी पानी इसमें भी शामिल हो गया है, और ये देख सकते हैं कुछ टाइम के बाद जी खटकी भी आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी जो इसमें जी खटकी आ गई है। तो अब इसमें जी अब हम चावल शामिल करेंगे। ये देख सकते हैं जी बासमती राइस है ये, इसको हम देख में शामिल कर रहे हैं। तो बराबर से जी हम 4 देगे जी हम तैयार करेंगे एक एक करके। तो 4 देगे जी हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो एक देग हमारी दम तैयार चुकी है सारी, ये हमारी दूसरी देग है। और ये देख सकते हैं जी आप लोग ये हमारे रजत कला पकवान के ऑनर हैं जी मोहम्मद यामिन रहमानी, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ सारे खाने जिनकी ज़ेर निगरानी ज़ेर सरपरस्ती में खाने इनके तैयार किए जाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं चावल इसमें हमने शामिल कर दिए हैं, और कुछ ही टाइम के बाद आप जो है स्टीम भी आप देख सकते हैं। तो साथ ही जब जी कोयला जी का जी निकालेंगे, क्योंकि जी जीरा राइस को लगाएंगे जी हम दम पे। तो ये देखिए जी कोयले को जो अब हम जो निकाल लें, और ये आप लोग देख सकते हैं जी कुछ ही टाइम के बाद जो है इसको जो हम ढक्कन से कवर करेंगे और इसको जो उतार के जी हम नीचे दम पे लगा देंगे। तो तीसरी डेग आ गई हमारी, तो वही तरीका है दोबारा से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक डेग में जी हमने 2 किलो जी हमने आयल ले लिया है, 50 ग्राम ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है, और नमक इसमें हमने शामिल कर दिया जी हसबे जायका। अब पानी इसमें शामिल कर रहे हैं जी तकरीबन 12 लीटर के करीब, आप लोग देख सकते हैं जी 12 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी तो ये हमारे पास जी आधा था 4 देंगे ज़ीरा राइस, एक जो है 12 किलो जी चने की दाल कीमे की देख थी, और साथ ही जो इसके साथ हमने तैयार किया था जी हैदराबादी मिर्चों का सालन। मिर्चों का सालन भी हमारे पास तैयार हुआ है, तो वो भी मैं आपको इसके जी कुछ हल्का सा जी क्लिप में आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि उसकी जो है रेसिपी जो है मैं अलग जी आप लोगों को जी दिखाऊंगा, अलग रेसिपी बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो किस किस को जी हैदराबादी मिर्चों का सालन पसंद है, तो जी वो लोग जी लाजमी जो है कमेंट बॉक्स में जी कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए जी तीसरी डेग का भी जो अब जो है कोयला जी निकाला जा रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत से कमेंट्स आ रही थी कि जी आप जो है लकड़ी पे खाना बनाते हैं नहीं बनाते, तो भाई ये देखना ही उन लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स भी की थी कि जी लकड़ी पे खाना, तो ये देखना जी ये लकड़ी पे जी खाना बनाया जा रहा था। तो कस्टमर की डिमांड भी थी कि जी लकड़ी पे जी आप जो है हमारा खाना तैयार करिएगा, तो देख सकते हैं जी। तो जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है तो उसी तरीके से जी हम करते हैं। ये देखिए तीसरी डेग भी जो है अब हम दम पे लगा देंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं जी अब तीसरी डेग को भी जब दम पे जी लगाया जा रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम इसको जी हमने लगा दिया जी दम पे। और अब हम जो है अपनी चौथी डेग की जानिब चलते हैं। चौथी और आखिरी ज़ीरा राइस की डेग अब हम तैयार करेंगे। तो वही तरीक़ाकार है जैसे हमने पहले की 3 डेग हमने तैयार करी है, वही सामान जी इस चौथी और आखिरी डेग में भी जो है शामिल होगा। ये देखें जी दूसरी 2 डेग और एक ये जी तीसरी डेग। ये देखिए पानी भी जो इसमें शामिल कर दिया है, सबसे पहले जी हमने इसमें आयल शामिल करा 2 किलो, ज़ीरा इसमें शामिल करा हमने 50 ग्राम, नमक हसबे जायका, ज़ीरा हमारा इसमें आयल में अच्छे से भुन गया था, उसके बाद फिर हमने इसमें जी पानी शामिल कर दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम जो है इसको जी अच्छे से जी मिक्स भी किया जा रहा है, और अब चला जाएगा जी नमक। नमक जी हमारा जो है बिल्कुल एक्यूरेट आया है, ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम। और अब हम शामिल कर देंगे जिसमें जी चावल, ये आप लोग देखिए चावल जो इसमें शामिल कर देगा, उसको जी अच्छे से जी मिक्स भी करेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम। तो याद रहे जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जी हमारे खानों में जी अजीनोमोटो यानी कि जी चाइनीज सॉल्ट वो शामिल नहीं होता है। तो जितने भी खाने होते हैं वो हमारे इसके अजीनोमोटो के बगैर जी तैयार किए जाते हैं। और अब ये देखिए जी चौथी और आखिरी डेग को भी जब हमने जी दम पे लगा दिया है, ये देख सकते हैं आप लोग इस टाइम। तो 4 डेग जी अब हमारी दम पे आ चुकी हैं। अब आते हैं जी अपनी दाल की जानिब। तो ये देखिए दाल में जी अब हम गरम मसाला पानी में अच्छे से हल करके जिसमें हम शामिल कर रहे हैं। गर्म मसाला हमने इसमें शामिल कराया है जी 100 ग्राम पिसा हुआ गर्म मसाला है, और ये आप लोग देख सकते हैं जी 4 डेग जी हमारी इस टाइम जी ज़ीरा राइस की हमारी दम पे हैं। और आपको दिखाता हूँ जी अब हैदराबादी मिर्चों का सालन। ये देखिए जी ये सारी जो हैदराबादी मिर्चों का सालन हमारे पास तैयार हो रहा है,
और अब हम चलते हैं जी अपनी दाल के बघार की जानिब। तो ये देखिए जी, गोल मिर्च यानी कि जी साबुत मिर्च और हरी मिर्च का जिसमें जी बघार लगाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं जी, दाल हमारी इस टाइम जी रेडी है। तो अब अपने इसमें बघार हमने इसमें शामिल कर दिया है और यकीन कीजिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार से जो है ना बघार लगने का, बहुत ही अच्छी जो इसमें खुशबू भी आ रही थी आप लोग देख सकते हैं जी। दाल की जो लुक है हमारी, चने की दाल कीमे की जो लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारे पास तैयार हो चुकी है। और हम चलते हैं जी अपने ज़ीरा राइस की जानिब। ये देखिए जी, एक एक करके जी साइड देखिए जी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी एक एक दाना जी चावल का जी खिला खिला है, ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम। तो चारों देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तैयार हैं, पहली देख, दूसरी देख, तीसरी देख और आखिरी जी चौथी देख। तो ये आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो चने की दाल कीमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तैयार है। तो इसको हम दो देखों में जी हम बराबर से जी तकसीम कर देंगे। बनाई हमने एक देख में, पर जब पार्टी के बाद हम जब हम डिलीवर करेंगे तो उसको जी हम दो देखों में जी हम तकसीम करेंगे बराबर से, फिर उसके बाद हम जो है डिलीवर करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये चावल हमारा एक एक दाना जी चावल का जी खिला खिला है, ये आप लोग देख भी सकते हैं इस टाइम। तो आप लोग लाजमी कमेंट करके बताएगा कि जी किस किस को जी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा मेरे हैदराबादी मिर्चों के सालन की रेसिपी का, और किस किस को पसंद है तो लाजमी जी बताइएगा कि जी किस किस को अच्छा लगता है जी मिर्चों का सालन। तो भाई मिर्चों का सालन होता है, ठीक है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को जी मिर्चें जो है देखने से जी लग जाती हैं। तो ये देखें जी, अब मैं दिखाता हूँ जी दाल आपको दो देखो में जी हमने बराबर से जी तकसीम कर दिए। चलें जी अब अपनी वीडियो का करते हैं जी खत्म। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हमें दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।